जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, बुद्धिजीवी व्यक्ति था तभी ऐसा प्रश्न आया होगा, अनपढ़ होता तो आता ही नहीं, अनपढ़ होता तो ये पूछता कि धन की प्राप्ति कैसे होगी। उसका प्रश्न था, क्या आप एक और धर्म की दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हैं? अगर तुम्हारे महात्माओं से ये प्रश्न पूछा जाए तो उठ के भाग जाएंगे, क्योंकि दुकान ही तो चला रहे हैं। साफ साफ लिखा था, कहता है परमात्मा क्या तुम नई दुकान खोल रहे हो धर्म की? अब उत्तर भी सुनो, मैं कोई दुकान नहीं खोल रहा हूं, मैं बल्कि पुरानी दुकानें बंद करवाना चाहता हूं सभी धर्मों की। मुझे दुकान की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि मैं एक अच्छा बिजनेस करता हूं, लग्जरी लाइफ जीता हूं, बहुत अच्छे पैसे कमाता हूं, तो कौन दो दो रुपए के लिए थाली घुमाए। हाँ, अनपढ़ होता, भिखमंगा होता, भिखारी होता तो शायद यही करता, मजबूरी थी, खाना तो खाना ही था, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं, मैं कोई दुकान खोलने का प्रयास नहीं कर रहा। इसीलिए वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है, ना मंत्र, ना दीक्षा, ना दान, ना दक्षिणा, ना चरण स्पर्श, ना कोई डोनेटर्स, कुछ नहीं, केवल शुद्ध बुद्ध ज्ञान, सीधा साधा ज्ञान। तुम सुनो और मुक्त हो जाओ, तुम समझो और बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ, तुम समझो और प्रज्ञावान हो जाओ, तुम समझो और इसी जीवन में जीते जी स्वर्ग का अनुभव कर लो, मुक्ति का अनुभव कर लो, मोक्ष का। हाँ, कुछ को तो अभी भी लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, और हजारों लोग कमेंट्स करते हैं कि गलत कर, लेकिन कमेंट्स करने वाले कौन है? जरा ये सुन लेना, किसी अच्छे बिजनेसमैन ने मुझे कभी कमेंट्स नहीं किया कि मैं गलत कर रहा हूँ, किसी अच्छी नौकरी वाले ने कभी कमेंट्स नहीं किया, किसी पढ़े लिखे वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, प्रिंसिपल, सीए, किसी ने कमेंट्स नहीं किया। जो मिलते हैं कहते बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे सारे वो लोग जो मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे गुरुद्वारों में बैठे, या जो बैठना चाहते हैं, कोई हाथ देख के रोटी खा रहा है, कोई माथा पड़ के रोटी खा रहा है, कोई घंटी बजा के रोटी खा रहा है, कोई थाली घुमा के रोटी खा रहा है, वो जरूर करते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मेरा दुकान खोलने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं, ना मैं कोई ऐसा मूर्ख हूँ कि मैं अपने या तुम्हारे या किसी भी प्रकार के मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजे गुरुद्वारे बनाऊँ। वो तो तुम ही बनाओ, तुम्हें ही मुबारक। हजारों लाखों बन चुके मंदिर, मस्जिद, गिरजे गुरुद्वारे, दुनिया सुखी हुई, तुम सुखी हुए। अगर तुम सुखी हो गए, जब सुखी हो गया आदमी, जब स्वस्थ हो गया, तो स्वस्थ आदमी अस्पताल क्यों जा रहा है? पढ़ा लिखा व्यक्ति स्कूल में क्या करने जा रहा है? अगर तुम सुखी हो गए तो छोड़ो मंदिर, मस्जिद, गिरजे गुरुद्वारे जाना, छोड़ो भविष्य के स्वप्न कि स्वर्ग जाएंगे मरकर। तुम्हारा स्वर्ग तो यही है, जैसे मेरा स्वर्ग यही है। मैं कहता हूँ मैं स्वर्ग में आज ही हूँ, मैं भविष्य के किसी स्वर्ग की कल्पना नहीं कर रहे हो। तो अगर तुम सुखी हो गए तो भी छोड़ो, और अगर सुखी नहीं हुए, 50 वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए भटकते भटकते, तो भी छोड़ो कि जिस तुम्हारे धर्म स्थल ने किसी के भी तुम्हें 70 वर्ष तक सुखी नहीं कर पाया, तुम्हारे शास्त्र 70 वर्ष तक पढ़ पढ़ के तुम्हारे को बोध नहीं दे पाए, तुम्हारी प्रज्ञा का जागरण नहीं हो पाया, तो अब कहां से हो जाएगा? अब तो 10 वर्ष बड़ी मुश्किल से बचे तुम्हारे लिए, कोई 80, कोई 90, कोई 95 तकरीबन चले जाते हैं लोग। बोध से काम लो। मुझे याद है, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में 15 साल पहले ITO की लाल बत्ती पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती थी कि आज दिल्ली में रोड एक्सीडेंट में 15 आदमी मरे, 20 मरे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अब सुनने वाले मुझे देखो, अब वो स्क्रीन वहां नहीं है, और अब अखबार में बड़ी मुश्किल से कोई खबर आती है कि कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मर गया। कैसे रोड एक्सीडेंट कम हो गए? किसने किए? तुम्हारे सभी काल्पनिक, सभी के भगवानों ने। ये रोड एक्सीडेंट कम इसलिए हुए कि कानून व्यवस्था टाइट हो गई, मनुष्य बुद्धिमान हो गया, कुछ मजबूरी से, कानून के डर से, कुछ बोध द्वारा लोग तमीज से गाड़ी चलाने लग गए, तो एक्सीडेंट का खत्म हो गए, वो अकाल मृत्यु खत्म हो गई, जिसको तुम कहते हो काल उसका क्या करे। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट की मृत्यु तुम्हारे ही कारणों से होती थी ना,
मैं यहीं लाके तुम्हें खड़ा कर रहा हूँ कि अगर अपने बोध से निर्णय करके कार्य करोगे तो सही होगा। अपने बोध से सोच के आंखें खोल के तो मैं कोई दुकान नहीं खोल रहा हूँ, मैं तो दुकानें बंद कराने का प्रयास कर रहा हूँ तुम सभी की, जो जो तुमने चलाई। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा, तुम सभी जागो, जागते रहो।